हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो क्या आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या नहीं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि टीईटी का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसी तरह सीटेट का होता है सेंट्रल। ठीक है, मतलब ये पूरे केंद्र से किसी भी राज्य से हो आप अप्लाई कर सकते हो। जब सीटेट का फॉर्म आता है तो किसी भी राज्य के कोई भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। और टीईटी जो आता है वो राज्य के थ्रू आता है, जैसे कि आप यूपी से हो, ठीक है, बिहार से हो या फिर राजस्थान से, तो उस तरह से आता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो क्या आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हो या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिनका बस यही था कि सीटेट का फॉर्म हम भर सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो जब टीईटी, ठीक है, सुपर टीईटी का ऑप्शन है तो फिर सीटेट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों वही फॉर्म फिल करके अपना योग्यता देकर आप शिक्षक बन सकते हो। लेकिन अगर किसी का मन है सीटेट करने का तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी और नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये कि जो सीटेट का होता है वो एक तो कक्षा 1 से 5 तक होता है और उसके बाद कक्षा 6 से और 12 तक होता है। लेकिन अगर आप डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए आप ओनली 1 से 5 के क्लास के बच्चों तक ही पढ़ा सकते हो। ठीक है, प्राथमिक स्तर तक। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये सीटेट का क्वालिफिकेशन है कि इसकी एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए। अगर आप सीटेट करना चाहते हो और क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो इसमें आप देख सकते हो क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है कि जो सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, अथवा इसके समक्ष सीनियर सेकेंडरी, ये होता है कि आप अगर 12 में, ठीक है, 12 में न्यूनतम 50% अंकों के साथ और प्रारंभिक शिक्षा में, मतलब अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आपका प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, तो उसके अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला अथवा उत्तीर्ण, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप, मान लो आपके अकॉर्डिंग आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो आप तो फर्स्ट ईयर में हो तो सीटेट का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ टीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें ये बोला गया है सीटेट का फॉर्म वही फिल कर सकते हैं जो, मतलब इंटर में 50% से ज़्यादा होना चाहिए और इसके साथ, ठीक है, अगर इंटर में किसी का 50% मार्क्स कम हो, जैसे 40% तो वो सीटेट का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका 50% हो, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो। तो इसमें यही बोला गया है कि इंटर में 50% और साथ में जो कोई भी डीएलएड हो वो लास्ट ईयर में आप उसमें पास होंगे तभी आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। तो अब आप इससे क्लियर हो गया होगा कि आप भी सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सीटेट का फॉर्म वैसे फिल नहीं करते हैं जो डीएलएड करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप टीईटी में मतलब आपका क्लियर हो जाता है तो फिर सुपर टीईटी करके आप शिक्षक बन सकते हो, सीटेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हो सीटेट का फॉर्म भरना तो आप फिल कर सकते हो, इसमें वो कोई नहीं है कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आप सीटेट का फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हो, जैसे ही आए अगर आपका मन है तो आप जरूर अप्लाई करिए। ठीक है, तो और आप नीचे देख सकते हो कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आप सभी को बता दिया है, जैसे कि अथवा में दिया है तो वैसे ये टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। तो फिलहाल मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था।
ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है गाइस। और जल्दी से जल्दी आप शिक्षक बनो, हम तो यही आशा करते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।